हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारे रेसिपीज की तरह। आज हम आपको कपकेक सिखाने जा रहे हैं, ओरियो क्रीमी कपकेक। ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कपकेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक ओरियो बिस्किट का पैकेट। बिस्किट को हम निकाल लेंगे। आप यहाँ पे कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर लिया है। क्रीम अलग कर लेंगे, बिस्किट अलग कर लेंगे। हमने बिस्किट अलग कर लिए हैं और क्रीम अलग कर ली है। हमने यहाँ पे एक जिपलॉक का बैग ले लिया है, इसमें बिस्किट डाल देंगे और क्रश कर लेंगे। बिस्किट को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम व्हिप्ड क्रीम लेंगे। आप यहाँ पे हैवी क्रीम, फ्रेश क्रीम कुछ भी ले सकते हैं। छोटा एक बाउल हमने व्हिप्ड क्रीम का लिया है। अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क के डाल देंगे। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क हमने बनाना आइसक्रीम वाले वीडियो में आपको बनाना बताया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच इसमें हम वनीला एसेंस डाल देंगे। सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ओरियो बिस्किट की क्रीम अलग की थी, वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। हम इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ ओरियो बिस्किट भी डाल देंगे और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच बटर डाल लेंगे। बटर मेल्ट किया हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने कपकेक बनाने के लिए ट्रे ली है। ये किसी भी क्रॉकरी शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है। इसमें हम, आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसमें बिस्किट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट बहुत अच्छे से लगा दिया है इसमें। अब हमने जो क्रीम तैयार की थी वो डाल देंगे। देखिए, हमने सब में बहुत अच्छे से क्रीम लगा दी है। अब हम इसके ऊपर क्रश करा हुआ थोड़ा थोड़ा सा ओरियो डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर बहुत अच्छे से एक एक लेयर ओरियो बिस्किट की क्रश की लगा दी है। अब हम वापस थोड़ी थोड़ी इस पर क्रीम लगा देंगे जो हमने मिक्स की थी।
देखिए फ्रेंड्स, कपकेक हमने तैयार कर दिए हैं। अब हम इनको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप अगर इस पे चॉको चिप्स लगाना चाहते हैं डेकोरेशन के लिए, तो चॉको चिप्स या कोई सी भी चॉकलेट क्रश करके भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट ही लगाया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कपकेक एकदम रेडी हैं। अब हम इनको नाइफ की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है और लुकिंग में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है हमारी आज की कपकेक रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको किसी भी ओकेजन पे ट्राई कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी। आप इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट हमसे शेयर करिए कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।